हाय एवरीवन, आज आपको एक अपना ट्रायल दिखा रहा हूँ जो कि अभी नहीं कह सकता कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट जस्ट एक ट्रायल है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लांट जो है, देखिए कितने सुंदर ग्रीन लीव्स हैं। तो ये जो है ये थाइम है, थाइमस वल्गारिस। देखिए कितने अच्छे ग्रीन लीव्स हैं। तो ये एरोमेटिक हर्ब है जो कि कलिनरी पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं। तो थाइम इज़ यूज्ड इन कलिनरी आइटम्स, पर्टिकुलरली इन सम डिशेज सच एज पास्ता, मैक्रोनी, और इवन यू कैन यूज देम विद नूडल्स। तो वी कैन यूज दिस थाइम इन द सेम वे एज ऑरिगैनो इज यूज्ड। जैसा कि आपने देखा है, जो पिज्ज़ा का भी मिक्सचर होता है उसमें जो हर्ब्स होते हैं वो ऑरिगैनो, थाइम, और उसके अंदर आप देखेंगे जो रोजमेरी टाइप में, तो बहुत सारी ड्राइड हर्ब्स होती हैं। तो ये आप देखिए पत्ते इसमें ग्रीन है, ऑल्दो द प्लांट इज़ ड्राइड। तो ड्राइंग भी कई मेथड से होती है, ये नेचुरल सन ड्राइंग लग रही है। सो जस्ट टू सी वेदर इट रिज्यूविनेट्स और नॉट, आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये थाइम का जो इस टाइप का एक प्लांट है वो इसमें एक ब्रांच लगाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये कट बॉटल है, ये कट बॉटल जो है आप देख रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली कोकोनट हस्क है, नॉट कोको पीट बट कोकोनट हस्क एज सच। तो सम क्वांटिटी ऑफ कोकोनट हस्क इज देयर। उसके बाद जो है इसमें ये प्लांट थाइम का लगाया, एंड देन दिस बॉटल इज फिल्ड विद कंपोस्ट। यू कैन यूज सॉयल ऑल्सो, बट कंपोस्ट हमने यूज़ किया जस्ट टू सी इफ इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव, तो जल्दी हो जाए टू फास्टन द प्रोसेस। ये देखिए अभी भी इसमें लीव्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन है। तो इट इज़ जस्ट इंडिकेशन कि ये सन ड्राइड है और बहुत ज़्यादा दिन इसको नहीं हुए हैं, तो इस वजह से ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हाउ वी मेड दिस कंटेनर। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसको लगाने का, तो ये एक बॉटल है विच हैज़ बिन कट इन टू हाफ, और अपर हाफ को हम यूज़ कर रहे हैं। और ये एक कंटेनर है जो नॉर्मली आपको स्नैक्स वगैरह के साथ मिल जाता है, एक बॉक्स, वो कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर इस हाफ कट इन्वर्टेड बॉटल को पहले लगाया गया। नाउ लेट मी शो यू हाउ द सिस्टम इज़ फ्रॉम इनसाइड बॉटम। ये देखिए, दीज आर थाइम रूट्स इन प्लेन वाटर। ये चूंकि अभी जस्ट प्रिपरेशन है तो इस वजह से आपको इसमें डस्ट दिख रहा है, एंड दिस वाटर विल बी चेंज फ्रीक्वेंटली। तो ये रूट्स हैं, और यू माइट बी वंडरिंग कि ये कैसे बाहर आ गए हैं। तो ये जो कैप है, एक कैप है का जो ये बॉटम है, जैसे कि ये कैप है, तो ये बॉटम जो है इसका कट कर दिया गया है सो दैट रूट्स कैन पास। ये जो बॉटल का ये वाला हिस्सा है ये कट करके रिमूव कर दिया गया है, दिस इनर सर्कमफेरेंस। तो इस वजह से इसके अंदर से इस तरीके से यहाँ से ये रूट्स पास हो रही हैं। तो ये इस तरीके से ये रूट्स पास हो रहे हैं, और इसको फिर हमने इस पर इस तरीके से ढक दिया है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि आखिर इसको कैप की ज़रूरत क्या पड़ी। यू कुड हैव used without cap also, but no,
ये ऐसा इसमें इसलिए नहीं किया गया है कि अदरवाइज देर आर चांसेस कि ये जो प्लांट का वेट है बिकॉज ऑफ दिस द वेट ऑफ द प्लांट, चूँकि हमने बड़ा प्लांट लगाया है इसकी वजह से कि ये आपका अपसाइड ना हो जाए या गिर ना जाए, उसकी वजह से जो तो जस्ट टू कीप इट इंटैक्ट ये कैप लगा के और इसको टाइट कर दिया गया है ताकि ये इसमें से लूज ना हो, गिरे नहीं। तो इस तरीके से ये जस्ट एक अटेम्प्ट है। नाउ लेट्स वेट एंड सी वेदर दिस थाइम ग्रोज और नॉट। हालांकि फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, अभी भी लीव्स इसमें ग्रीन है और कहते ही हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा सेटअप था। जस्ट एक बार आपको और दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। और ये इस तरीके से इसको ये क्लोज कर दिया गया है, तो होप कि ये कामयाब हो। एक बार फिर आपको आइटम्स बता देता हूँ। ये जो हमारा नॉर्मल स्नैक्स बॉक्स होता है वो यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक सर्कल कट करके प्लास्टिक रिमूव करके इसके अंदर ये हाफ कट कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या कोई और आपके पास बॉटल हो इस टाइप से, वो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल यूज़ करें सो दैट यू कैन सी एनी चेंजेस विच होप टू बी पॉजिटिव कि ग्रोथ आपको दिखता है तो उस हिसाब से, और ये देखते हैं कि रूट्स में इनिशिएट होता है कि नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो ऑफ अ वेरी पॉपुलर एरोमेटिक हर्ब थाइम, दैट इज थाइमस वल्गैरिस। तो थाइम को जब ओवन में भी आप जब कई चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ का कुकिंग कर रहे होते हैं, सपोज यू आर रोस्टिंग पोटैटोज और सम अदर वेजिटेबल्स, तो उसमें भी आप इसको रख देंगे तो भी बहुत अच्छा एरोमा डेवलप होता है। और जब हम इसकी खुशबू की बात करें द एरोमा ऑफ थाइम इज़ मच लाइक कि जैसे थोड़ा अजवाइन के टाइप का हो। व्हेन यू स्मेल अरोमा ऑफ अजवाइन, जो कि कैरम कार्ब जो अजवाइन होता है वो वाला नहीं, जो टिपिकल अजवाइन है, ये देखिए ट्राइकोस्पर्मम एमी जिसको हम कह देते हैं, तो वो अजवाइन की तरह से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, काफ़ी अजवाइन से मिलता जुलता होता है। और बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ दिस हर्ब, तो ये जो थाइम है ये मिंट फैमिली का ही है। तो वंस अगेन आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स होप कि ये कुछ आइडिया पॉजिटिव हो जाए।